गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? वैसे गुड आफ्टरनून, क्योंकि 3 बज रहे हैं और हम व्लॉग अब स्टार्ट कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ गुड न्यूज। सो आज बहुत से काम है, गुची को जैनर ला रहा है और मेरा फोन आज ठीक होने जाएगा। और पहली चीज, कमेंट करके मम्मा को बोलो कि हमें जू लेके जाए, क्योंकि मैं हम कब से बोल रहे हैं और मम्मा हमें नहीं लेके जा रही, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा काम होता है घर में और ऑफिस का भी बहुत ज़्यादा काम होता है मम्मा को। इसलिए कमेंट करके मम्मा को किसी तरह भी मना लो कि हमें जू लेके जाएं, क्योंकि आया वो 6 बेबीज देखने हैं जो वाइट लायन ने दिए हैं और मुझे भी देखने हैं कि वो कितने प्यारे हैं। और उनको बिल्कुल सामने रखा है नॉर्मली, कि ये नहीं कि चारों तरफ बिल्कुल ही पिंजरा लगा दी हो, कि जैसे लाइक लायन के साथ ही रखा है उनको। और मुझे भी उनको देखना है क्योंकि वो बहुत क्यूट है, उनकी आवाज़ भी बहुत क्यूट है। तो इसलिए कमेंट करके मम्मा को बोलो। तो वही, यहाँ पे मम्मा ने ये कबूतर पकड़ा है और कबूतर को यहाँ पे अंडा डाल दिया, तो उसको हम लोग थोड़ी देर में फ्री करेंगे। वैसे दिखा देते हैं जैसा ही पिंक कलर का है, बिल्कुल अंडे से नजर आ रहा होगा। यहाँ मैंने खिचड़ी जो है वो रेडी कर ली, क्योंकि अहमद की भी तबीयत सही नहीं है, उसके पेट में दर्द है और अनाया का भी मसला है, इसलिए वो खिचड़ी शौक से खाते हैं लीमू के साथ। तो मैंने खिचड़ी रेडी कर ली है, थोड़े से आलू और शिमला मिर्च भी फ्राई कर लिए हैं, अनाया खाती है शौक से। तुरई भी यहाँ रेडी हो गई है, गुची ने लिया है प्रॉपर शावर और गुची नहा कर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। गुची को भूख लगी है, गुची ने खाना खाना। खिचड़ी दूँ आपको? गुची खिचड़ी खाएंगे आप? अच्छा मैं देती हूँ, मैं दे रही हूँ आप, भूख लगी है। अच्छा मैं देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो प्लांटर के पीछे पड़े हुए, इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके इसने जो है अपने लीव्स निकाले और ये यहाँ बैठने के चक्कर में आते हैं कि हम ये अंडे दे दें। तो नया नीचे पार्क में है और धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई, सोच रही नीचे चली जाऊँ। चंदा भूख लगी है? अच्छा मैं दे रही हूँ ना उनको खाना। झाँक के देख रहा है मुझे कि मैं क्या लेके आ रही हूँ। देखो मैं तुम्हारा गर्म गर्म खाना लेके आई हूँ, पूरा मील बना के देती हूँ उसको मैं। बच्चा आएगी छोटे, अरे 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 चंदा चंदा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गर्म है गुची, बहुत गर्म है, मुंह चल जाएगा यार। अच्छा तुम ये खा लो जब तक। देखा मुंह चला ना, मैं इसलिए आपको मना कर रही थी। ये लो, ये आपको पसंद है, खाएं। चलो अब खा लो, बस मैं यहाँ रख रही हूँ। मेरे ये प्लांट भी हैप्पी हैं और देखते हैं कब तक हैप्पी रहते हैं या गुची से बचे रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल हैप्पी हैं, ये वाला ख़राब हो गया, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये मैं भी चेंज कर लेती हूँ। बाकी सब हैप्पी हैं, ये भी फाइन है। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताओ भाई अपने। आप? आप? अनाया। और आप हैं? आप आ रहे नहीं है? छुपे में पीछे से ले लेते हैं उसको। सो गए कुजी? गाना सुन के सो रहे। अनाया की दोस्तें आई हैं और अनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही है और गुची भी खेलता है ना। और भाई यहाँ चाय पी रही हूँ, जैन ने बना के दी है मुझे चाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अनाया को शावर देने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और बनाना है रात का खाना। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, और बच्चों का प्लान है कि मैं चिकन पुलाव बना लूँ। तो बस जो है मैं अब कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं मैंने और एक दो काम और करने हैं, फिर जो है मैं उसको स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज एंड हरी मिर्चें जो है वो कट करके रख ली हैं, प्लस चिकन जो है बोनलेस इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो बस अब मैं इसको जो है राइस मैंने भिगोने हैं, उनको 20-25 मिनट लगेंगे और उसके बाद जो है हमारा पुलाव फिर बनना शुरू हो जाएगा। तो अनाया की फ्रेंड्स आई हुई थी और वो अभी गई हैं और अब जो है उसके पैर में कौन हो गई अनाया के, तो अब वो उसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम दे रही है।
बच्चों को तो आपको पता है यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, फिर ये कि उनको टाइम देना पड़ता है, उनके साथ लगना पड़ता है। और मेरी बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्ट कॉल्स नहीं किया करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि मैं ऑफिस में होती हूँ, या मैं बच्चों के साथ हूँ, या मैं कोई काम कर रही हूँ, या अनाया को सुला रही हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। या इवन मैं किसी कॉल के ऊपर भी होती हूँ, तो क्योंकि मैं वैसे भी कोई इंस्टाग्राम पे कॉल्स नहीं लेती और ना मैं वहाँ पे किसी से कॉल पे बात करती हूँ, तो आपका जो भी मैसेज हो, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप वो मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दें, तो जब भी मैं उसको देखूँगी ज़रूर रिप्लाई कर दिया करूँगी। लेकिन इतनी सारी कॉल्स जो हैं जो आप लोग करते हैं, तो उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है मुझे, और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा बात नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स हर किसी से तो बंदा बात नहीं कर सकता, और बहुत सारे ही लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा सा देखा करें कि जब आपके साथ फैमिली होती है, अगले के साथ फैमिली है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे डे रूटीन में, कभी मैं इधर होती हूँ, कभी मैं उधर होती हूँ, क्योंकि मैं अपना पूरा कंप्लीट डे रूटीन शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। मैं घर आने के बाद जो भी मेरे मामलात होते हैं और जो घर के भी मामलात होते हैं बच्चों के साथ, तो मैं सिर्फ अपना फैमिली ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो प्रोफेशनली मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, अब तक मैं वो डिस्कस नहीं करती अपने चैनल के ऊपर। तो तबीयत मेरी भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि बच्चों को संभालते संभालते मैं खुद एग्जॉस्ट हो गई हूँ बहुत बुरे तरीके से, और आईज के अंदर भी मेरे काफ़ी पेन हुआ है पिछले कोई 2-3 दिन से, काफ़ी पेन है, और बीच में सेट हो गया था लेकिन फिर प्रॉब्लम हो रही है, फिर मुझे यहाँ पर पेन हो रही है आईज के अंदर। तो बहरहाल बच्चों से और घर से मुझे फुर्सत नहीं मिलती अपने कामों के अलावा, तो कि मैं जो है अपने बारे में कुछ सोच सकूं। और ये देखें, ये मेरे कपड़े भी गीले हैं, क्योंकि मैंने अभी जो है अनाया को शावर दिया है, अभी फिर शावर देने के बाद फिर वॉशरूम को क्लीन करना पड़ता है। अब ये किचन में आओ तो किचन के बर्तन रखे होते हैं, तो जितना भी टाइम घर पर हम होते हैं तो घर के मामलात ऑन रहते हैं, और नींद बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि रात में मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, प्लस जो मेरी रील्स वगैरह होती हैं इंस्टाग्राम पे उनको भी एडिट करना होता है, और इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है आपको पता है, और कॉन्सेंट्रेशन भी लगती है। समटाइम्स क्या होता है कि कॉल्स आए जा रही होती हैं, तो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं, मुझे बहुत मसला होता है उसको एडिट करने के अंदर। तो प्लीज़ उम्मीद है आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, अपना जो भी मैसेज है ज़रूर आप कन्वे करें और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। तो बस अब बनाते हैं चिकन पुलाव, और उसके बाद जो है जो भी मामलात होते हैं, जो रूटीन होती है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और आप लोग भी एक लाइक कर दिया करें, कुछ नहीं जाता लाइक करने के अंदर, क्योंकि ये लाइक करना पता है क्या है, जब हम किसी के घर जाते हैं तो एक तरीके का आ रहा है कि हम या तो फ्रूट्स लेके जाते हैं, या हम मिठाई लेके जाते हैं, या हम केक लेके जाते हैं, क्योंकि हम किसी से मिलने जाते हैं किसी के घर के ऊपर। तो हमारे YouTube चैनल भी इसी तरह ही है, हमारे घर हैं, और आप लोग जब यहाँ आते हैं तो एटलीस्ट एक लाइक तो देके जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा और मेरी बात भी समझ आएगी, क्योंकि इतनी तो अप्रिसिएशन आप दें ना, आप जब व्यू दे रहे हैं तो आप अगर एक लाइक भी दे देंगे तो कोई बुरा नहीं है। नहाली? नो लिफ्ट। तो भाई यहाँ पे खाना रेडी है, तो मम्मा ने आज बनाया पुलाव, साथ में रायता भी है, और अपना तो मैंने निकाल लिया कबाब, यहाँ पे भी बनाया मम्मा ने बीफ। तो खाने से सब फारिग हो चुके हैं, अनाया भी यहाँ सो चुकी है और अहमद भी सो चुका है, और मैं भी अब लेटने ही जा रही हूँ, उससे पहले मैं अपना व्लॉग एंड कर लूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। असल में आज सुबह से ही ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो है, और नींद भी नहीं हुई 2 दिन से तकरीबन, तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और जो है नींद ना पूरी होने की वजह से सर में भी बड़ा दर्द है। तो चांद भी देखे मेरे ऊपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर पे मेरे। तो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।